यहाँ जाना है हमें आगे इस रास्ते। तो गाइस ये देखो रास्ते में बर्फ पड़ी है, कैसे कैसे हम जा रहे हैं, एडवेंचरस हो गया है तो यार। तो गाइस हमारी जर्नी स्टार्ट हो रही है ट्रैकिंग वाली। गाइस सब कुछ जमा पड़ा है, सिगार दिस इज द टेम्पल। ओह माय गॉड, दोस्तों हम में से कोई नया तो है नहीं, तो अंदर तो जा नहीं सकते हम, तो बाहर बाहर होके मत्था टेक के चलेंगे। और शायद अभी मंदिर खुला भी नहीं है इस टाइम। अभी बजे हैं सुबह के 10। तो ब्लेसिंग्स ले लिया हमने माता जी की और यहाँ फोटोग्राफी चालू है हमारी। रंगा बोल रहे हैं कि छतरी मत पड़न। तो गाइस आपको पता है छतरी का मतलब क्या है? अगर आप हरियाणा से हो तो आपको पता होगा। हमारा सिगार्ड सेफ है गाइस। छींक आने लगी है, ठंड लगनी शुरू हो गई है मुझे, छींक ही हो रही है। भाई साहब कसूती बर्फ है नीचे, हमारी यमुना माता बह रही है। ब्लैक आइस ये लाइक दिस सो हार्ड। तो गाइस यहाँ से होती है पैदल यात्रा स्टार्ट यमुनोत्री की। बड़ी केयरफुली चलना पड़ रहा है हमें, पूरे ट्रैक पे आईसीआई है। तो गाइस जैसे कि लोकल पर्सन ने बताया कि 1.5 किलोमीटर बाद एक राम मंदिर आएगा, वहां तक जाना तो आसान है, उसके बाद स्टार्ट होती है असली परीक्षा। तो दिस इज द मेन ट्रैक, वो यमुनोत्री ट्रैक। ज़्यादा बर्फ है क्या ऊपर राम मंदिर के बाद? मतलब इसी महीने है बर्फ ही थोड़ी बहुत, इसी महीने है। अच्छा अच्छा, और मई मई में जैसे कपाट खुलते हैं वैसे लगभग इधर। इस बार कपाट वैसे कब खुलेंगे? मई में खुलेंगे, मई स्टार्टिंग में या मिड में? मई 1 से 10 तक, 1 से 10 तारीख का पूरी निकलते ना मेला निकलता है रेली। तो दोस्तों आइसिकल्स और मिल चुके हैं, ये आपको तोड़ के दिखाते हैं। हाय हाय हाय, बहुत सारे यहाँ तो यार। रंगा साहब देख क्या ले रहे हैं यहाँ ले, आई ड्रॉप का लुके आई ड्रॉप रहने आजा ना। मजा आ जाएगा, शीतल हो जाएंगी ना। नहीं ठीक है, शीतल हो गया, ठीक शीतल हो गया, तू ठीक हो जाएंगे। अबे चल बर्मा खड़े करती गई भीतर टूट गई सचिन बिजी है फोन में, उसको गाने नहीं मिल रहे। ओ बस भेड़िए अंडे और देख किते देख केत भेड़िए किता भेड़िए भेड़िए न्यू के पैरों के साथ। भाई साहब ये तो खतरनाक होता जा रहा है। चलो चलते हैं, चल रहे आगे चल। तो दोस्तों सब्सक्राइब एडवेंचर अमित ऐसी ही वीडियोस के लिए, और ये वीडियो पसंद आए तो इसको एक लाइक जरूर दीजिए।